गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं MIUI 12 का स्पीड टेस्ट। इस स्पीड टेस्ट को हम MIUI 11 के स्पीड टेस्ट से कंपेयर करेंगे। ये दोनों स्पीड टेस्ट साइड बाय साइड चलेंगे एंड इसमें ये सिलेक्टेड एप्स हैं इनको ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सी MIUI पहले इस टेस्ट को कंप्लीट करती है। इस टेस्ट के लास्ट में हम दोनों UI का बूट टेस्ट करेंगे एक साथ एंड देखेंगे कि कौन सी UI का बूट टाइम कम है। तो इसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में सारे ऐप्स को क्लोज कर देता हूँ। मेरा जो मोबाइल का नेटवर्क है वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड है तो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कांस्टेंट मिलेगी मेरे को यहाँ पे एंड सिंक सर्विसेज ऑफ है। तो यहाँ से मैं इस टेस्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। बैकग्राउंड में कोई सा भी ऐप रन नहीं कर रहा है। यहाँ से मैं इस टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को MIUI 12 के जो एनिमेशन है वो यहाँ पे थोड़े स्लो लग रहे हैं एंड MIUI 11 के जो एनिमेशन है वो यहाँ पे थोड़े फास्ट हैं। मे बी इसके कारण MIUI 11 इस टेस्ट को विन कर जाए। डेवलपर सेटिंग्स में जाके आप एनिमेशन को पूरा ऑफ कर सकते हैं या एनिमेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। MIUI 12 में स्पेशल फीचर्स में जो AI प्रीलोडिंग का फीचर दिया गया है उसकी वजह से जब आप किसी ऐप को टच करते हैं उसी टाइम इंस्टेंटली वो ऐप को लोड करना स्टार्ट कर देता है। ये फीचर अभी बीटा में चल रहा है। जब इसका स्टेबल रिलीज आएगा तो MIUI 12 को ऑब्वियसली इससे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे काइनमास्टर को क्लोज करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बट मैंने दोनों UI में काइनमास्टर को क्लोज करने के लिए मैंने सेम तरीका ही अपनाया। एस फॉल्ट एंड कॉल ऑफ ड्यूटी को रन करने के बाद मैंने शुरू के एप्स थे उनको वापस ओपन करके देखा लेकिन वो एप्स वापस लोड हो रहे थे। ओनली MIUI के जो स्टॉक एप्स होते हैं वो यहाँ पे लोड नहीं हुए, बाकी सारे थर्ड पार्टी एप्स लोड हुए थे। 8GB रैम होने के बाद भी MIUI का रैम मैनेजमेंट इतना बेकार है कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड से इन एप्स को ओपन नहीं रख पाती है। इससे बैटरी लाइफ तो इम्प्रूव होती है बट जो मल्टीटास्किंग में आपको जो वापस एप्स लोड होके मिलते हैं उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। MIUI 11 ने इस टेस्ट को इजीली कंप्लीट कर लिया है 1:34 में एंड यहाँ पे MIUI 11 क्लियरली विन कर रही है। MIUI 12 ने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है 1:38 में। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से MIUI 12 डिफीट हुई है वो यहाँ पे है एनिमेशन की स्पीड की वजह से। MIUI 12 के जो एनिमेशन है उनकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ हुआ है बट यहाँ पे एनिमेशन की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। अब हम करने वाले हैं काइनमास्टर पे 1 मिनट के वीडियो को 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट। तो अभी हम करने वाले इन सभी ऐप्स को क्लोज एंड काइनमास्टर पे हम करेंगे एक 4K वीडियो को रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने MIUI 11 एंड MIUI 12 पे मैंने सेम वीडियो काम में लिए। तो यहाँ पे मैंने 4K क्वालिटी चूज़ की है, 30 फ्रेम पर सेकेंड है एंड बिटरेट यहाँ पे 30.16 MBPS है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, यहाँ पे 30.10 MBPS नहीं आ रहा है MIUI 11 के जैसे। तो यहाँ पे मैं 30.16 MBPS चूज़ कर रहा हूँ जो MIUI 11 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के इस एक्सपोर्ट टेस्ट में भी MIUI 11 विन कर रही है। MIUI 11 ने 1:04 में इस टेस्ट को कंप्लीट किया है एंड MIUI 12 ने 1:07 में इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। तो अब हम करने वाले हैं बूट टेस्ट। ये टेस्ट इन दोनों UI के लिए फेयर रहे इसलिए मैंने इन दोनों को क्लीन इंस्टॉल किया है, उसके बाद में ये दोनों UI पे बूट टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको करने वाला हूँ रिबूट। तो यहाँ पे मैं इसको रिबूट करता हूँ। इस बूट टेस्ट में ओनली 1 सेकंड का डिफरेंस आया है। MIUI 11 ने 25 सेकंड में इस बूट टेस्ट को कंप्लीट किया है तो वहीं MIUI 12 ने इस बूट टेस्ट को 26 सेकंड में कंप्लीट किया है। ये डिफरेंस इस बूट टेस्ट में डिवाइस के टेम्परेचर की वजह से आ सकता है। यहाँ पे तीनों टेस्ट में MIUI 11 ने विन किया है लेकिन सेम एंड्रॉयड वर्जन पे एंड सेम प्रोसेसर सेम रैम पे इन टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मे भी यहाँ पे डिवाइस के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उस वजह से MIUI 11 विन कर रही है लेकिन जो एनिमेशन है MIUI 11 के वो यहाँ पे MIUI 12 से फास्ट है इस वजह से यहाँ पे एक टेस्ट में यहाँ पे विन किया है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।